हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ये हमारा फेसबुक पेज है, अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप फॉलो करें। बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के मन में जो मुझे बच्चों ने यहाँ मैसेज करके पूछा है। अगर आपके भी मन में कोई डाउट है आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो डाउट्स बेसिकली क्या क्या हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं फेसबुक पे। अभी नेट ऑफ है काफ़ी जगह, लेकिन स्टिल इतने ज़्यादा मैसेज आना हैरानी की बात है। मैंने थोड़े क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, अगर आपका भी कोई डाउट है आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करना, मैं कोशिश करूँगा उधर ही सॉल्व करने की। लेकिन अगर ऐसा होगा कि कॉमन क्वेश्चन होगा बहुत बच्चों का वो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपको ताकि आपका डाउट सॉल्व हो पाए। तो डाउट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो मैंने एक JKSSB के एम्प्लॉय से लिया है, जो डिपार्टमेंट है उनके एम्प्लॉय से मैंने ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन ली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं मेरे को कि क्या ये रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत क्लियर कट आंसर है, ये रिक्रूटमेंट बजट 2018-19 के तहत निकली है। ये जो भी यूनियन टेरिटरी जो भी आर्टिकल हटा है इसका इस पर कोई सीन नहीं होगा। जो जो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर मेंशन कर दिया है वो डेवलपमेंट्स वो पैसे अलॉट किए जाते हैं बजट के अंदर ही। तो ये रिक्रूटमेंट कोई भी किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। इनफैक्ट जितने भी रिक्रूटमेंट्स अभी ऑनगोइंग है, जैसे कि JK बैंक की रिक्रूटमेंट है, अकाउंट असिस्टेंट की है, या फिर हमारे पास JK बोर्ड की रिक्रूटमेंट जो निकली थी जिस पर अभी कोर्ट का कुछ सीन पड़ा हुआ है उसका, वो भी रिक्रूटमेंट्स वो जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जिस वक्त जिस बजट के अंदर निकली हुई हैं वो उसी बजट में रहेंगी और ये किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा गया है कि ये जो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या ये चेंजेस आएंगे इसमें? तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन जो फर्दर रिक्रूटमेंट आएंगी उसमें ज़रूर चेंजेस होंगे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब ये स्टेट सब्जेक्ट जो है वो हट जाएगा। जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज कर दिया हुआ है उसी के थ्रू ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म होगी। आप पहले भी जानते हैं, आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी पढ़ा था कि 45 डेज के अंदर अंदर ये रिक्रूटमेंट ख़त्म होगी और ये होगी रिक्रूटमेंट ख़त्म। तो आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ चेंज नहीं होगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या लद्दाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं लोग। लद्दाख स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट अब तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे खुल जाएगा, आगे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, इनफैक्ट बाहर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ पूछने वाली है ही नहीं। लद्दाख स्टूडेंट्स, कश्मीर स्टूडेंट्स, जम्मू स्टूडेंट, हर कोई अप्लाई कर सकता है, तीनों प्रोविंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। फोर्थ था इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग रेगुलरली, ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। बेसिकली ये जो 2000 पोस्टें हैं ये निकली हैं पुराने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत, उसके तहत ही सॉल्व की जाएंगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोगों की रेगुलर स्टडीज़ कितनी है, ठीक है, क्योंकि 2000 पोस्टें बार बार निकलती नहीं हैं, आप सब भी जानते हैं। ये वन ऑफ द लास्ट रिक्रूटमेंट मानी जाएगी जो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आ रही है, ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जितने लोग मेहनत करेंगे वो इस सरकारी नौकरी ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है पढ़ने की तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट सिर्फ अब यहाँ लगने वाला है, आगे जो फर्दर रिक्रूटमेंट जाएंगी उसमें स्टेट सब्जेक्ट आपका नहीं लगेगा। तो अभी तक अगर आप सो रहे हैं तो अब आप जाग जाइए, प्लीज़ जितने मैंने लेक्चर्स दिए हैं उसे पढ़िए। अगर आपको कहीं और से बेटर मटेरियल मिल रहा है, आपको लगता है मेरा आपको समझ नहीं आता, कहीं और बेटर समझ आता है, तो वहाँ से पढ़िए, ठीक है। और बाकी कुछ रिक्रूटमेंट्स जैसे अभी इन प्रोसेस हैं, जैसे JK बैंक की एक रिक्रूटमेंट थी, फिर दो तीन और रिक्रूटमेंट्स हैं, तो उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनका रिज़ल्ट जब उन्होंने डिसाइड किया है वो तभी निकलेगा, ठीक है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बाकी ये रिक्रूटमेंट बहुत वैल्यूएबल हो गई है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है ये लास्ट रिक्रूटमेंट है अब स्टेट सब्जेक्ट के अंडर। तो मैं आपको यही बोलूँगा, यही एडवाइस करूँगा बार बार कि अगर आपने अभी तक भी पढ़ना नहीं शुरू किया ना, तो कोई बात नहीं,
अब पढ़ लीजिए, अब शुरू कर लीजिए। कि अगर आपका और भी कोई क्वेश्चंस है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अपने फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ जाके मैसेज करिए मेरे को। जो भी क्वेश्चन होगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर अभी तक आपने पढ़ना नहीं शुरू किया है, मैं फिर से यही बोलूँगा, बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए, शुरू करिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2000 पोस्ट बार बार नहीं निकलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए, और लोगों को अवेयर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।